बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी खूबसूरती की वजह से देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जानी जाती है। वो देश के उन चुनिंदा पर्सनालिटीज में से एक है जिन्होंने देश का नाम दुनिया भर में बढ़ाया है। मिस वर्ल्ड बनने से लेकर हॉलीवुड फिल्मों में काम करने तक एक्ट्रेस ने अपने करियर के दौरान कई सारे मुकाम हासिल किए हैं। बॉलीवुड फिल्मों में अपने अभिनय से उन्होंने प्रशंसकों के दिल में एक खास जगह बनाई है, मगर कई बार वो कॉन्ट्रोवर्सीज का शिकार भी बनी। वेल तो आइए डालते हैं इनकी कुछ टॉप 5 कॉन्ट्रोवर्सीज पर एक नज़र। बॉडी शेम्ड फॉर पोस्ट प्रेगनेंसी वेट। बी टाउन की सबसे परफेक्ट मॉम ऐश्वर्या राय बच्चन को भी प्रेगनेंसी वेट को लेकर मीडिया और लोगों की नफरत का सामना करना पड़ा था। हालांकि वजन बढ़ने के बाद भी ऐश्वर्या ने ज्वेलरी एड शूट की थी और उन्हें डिलीवरी के बाद अपने बढ़े हुए वजन से कोई एतराज नहीं था। ऐश्वर्या की इस हिम्मत की तारीफ करने की बजाय लोगों ने उनके बढ़े हुए वजन को लेकर उन्हें नेगेटिव कमेंट्स देने शुरू कर दिए थे। धूम 2 किस कॉन्ट्रोवर्सी। बॉलीवुड की बहुचर्चित जोड़ी ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन को भी भारी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा है। वेल बता दें कि ऐश्वर्या को ऋतिक रोशन के साथ फिल्म धूम 2 में लिप किस सीन के लिए बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बी को यशराज स्टूडियो में एक एक्सक्लूसिव प्रीव्यू में बुलाया गया था और उन्होंने जो देखा उससे खुश तो नहीं थे। सूत्रों का कहना है कि लंबे चुंबन पर वो हाथ पांव पटकने लगे। उन्होंने सीन को ही फिल्म से निकाल देने की बात कही। वेल इतना ही नहीं, ऐश्वर्या ने फिल्म फेयर को दिए अपने एक इंटरव्यू में इस पर बातें करते हुए बताया था कि उन कुछ सीन्स की वजह से उन्हें क्या कुछ झेलना पड़ा था। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो हॉलीवुड के कई स्क्रिप्ट्स को इसलिए मना कर चुकी थी क्योंकि वो पर्दे पर फिजिकल सीन्स करने में कंफर्टेबल नहीं थी। उन्होंने कहा, मुझे कहीं ना कहीं ये भी पता था कि मेरी ऑडियंस भी इसे लेकर कंफर्टेबल नहीं होंगे। फिर सोचा, अगर मुझे ये करना ही होगा तो पहले इंडियन सिनेमा में करूं। मैं देखना चाहती थी कि मैं जैसा सोचती हूँ क्या वाकई ऐसा है, और फिर वही हुआ जिसका उन्हें डर था। फिल्म में मैंने वो एक खास सीन किया था और आप जानकर सरप्राइज होंगे कि मुझे देश के कई लोगों की तरफ से लीगल नोटिस आ गए। ट्रोल्ड फॉर लिपस्टिक शेड। ऐश्वर्या राय बच्चन का कान फिल्म फेस्टिवल 2016 का एक लुक शायद ही कभी भुलाया जा सकेगा। दुनिया की सबसे खूबसूरत हसीना में से एक इस अदाकारा ने अपने गॉर्जियस पिंक फ्लोरल गाउन के साथ पर्पल लिपस्टिक लगाने का फैसला किया था। इस सिलेक्शन को जहां कुछ फैशन क्रिटिक्स की वाहवाही मिली तो वही आम लोग और यहां तक कि एक्ट्रेस के फैंस तक इसकी आलोचना करते दिखे। ट्रोल्स ने भी ऐश्वर्या को निशाने पर लेने में देर नहीं लगाई और उन्होंने पेंट के साथ ही ना जाने किस किस चीज से अदाकारा की तुलना कर डाली। ट्रोल्ड फॉर बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव फॉर डॉटर। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है, इतना ज्यादा कि अधिकतर तस्वीरों में वो अपनी बेटी का हाथ पकड़े ही नजर आती है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर यूजर्स उन्हें ट्रोल करते रहते हैं, मगर एक्ट्रेस और विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय बच्चन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐश्वर्या का कहना था, असल बात यह है कि अपनी बेटी की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरे इस बिहेवियर से लोग मुझे अपने अंदाज में परिभाषित करते हैं तो ये उनकी दिक्कत है, मेरी नहीं। जो भी चीज मेरी बेटी को असहज करेगी मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अगर मैं अपनी बेटी के लिए प्रोटेक्टिव हूँ और किसी को मेरा ऐसा करने से दिक्कत है तो उनके प्रति मेरी सहानुभूति है। ए दिल है मुश्किल इंटीमेट सीन। रणबीर कपूर और ऐश्वर्या राय का फिल्म ए दिल है मुश्किल का एक इंटीमेट सीन टॉक ऑफ द टाउन बन चुका था और रिपोर्टेडली ऑब्वियस रीजंस के लिए वाज डिसलाइक्ड बाय द बच्चन फैमिली। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐश्वर्या का फिल्म ए दिल है मुश्किल में सिर्फ 20 मिनट रोल था। आज तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐश्वर्या ने इस पर अपनी बात रखते हुए कहा था, मुझे ऐसे सीन से कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके डायरेक्टर के साथ कंफर्ट लेवल की बात होती है। हमें पता था ये फिल्म कैसी होगी, मैं अपने कैरेक्टर को अच्छी तरह जानती थी, इसे क्लासी तरीके से किया गया है। वेल तो ये थी ऐश्वर्या राय से जुड़ी कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज। इन सब पर आप हमें बताएं अपनी राय।
Also do like, follow and subscribe to Bollywood Now on Facebook, Instagram and YouTube.